व्हाट्स अप, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम आई एम शूटिंग अ मेकअप वीडियो, अ सिट डाउन वीडियो। और आज की वीडियो में मैं मेकअप लुक क्रिएट करूंगी हीरा मंडी से एक्सपायर्ड। वी ऑल नो इट इज़ ट्रेंडिंग दीज डेज। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइजर लगाया है। आई एम यूजिंग दिस एमोलिन क्रीम। आई लव दिस प्रोडक्ट। बहुत अच्छे से मेकअप के नीचे सिट होता है एंड बहुत अच्छे से हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है आपकी स्किन को। अच्छे से मसाज कर लिया मैंने। आफ्टर दैट आई एम मॉइस्चराइजिंग माय लिप्स यूजिंग दिस हाइफ़न का लिप बाम, जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। मेरा ये सेकेंड बॉटल है। अगेन, ये बहुत अच्छे से लिप्स को मॉइस्चराइज करता है एंड आपकी लिपस्टिक बिल्कुल भी केकी और ड्राई नहीं लगती। फॉर द प्राइमर आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी का मैटिफाइंग प्राइमर। और आप देख सकते हो सारी शीन ये मेरे फेस से गायब कर देगा एक ही बारी में। वट एवर प्रोडक्ट्स यू आर अप्लाइंग, मेक श्योर आप उसको नेक तक स्ट्रेच करो। फॉर द फाउंडेशन आई एम यूजिंग दिस फुल कवरेज स्टूडियो फिनिश फाउंडेशन फ्रॉम स्विस ब्यूटी। आई एम इन द शेड 05 मीडियम पेल। आई डोंट लाइक द पैकेजिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट, बट इसका जो कंसिस्टेंसी है, शेड मैच है, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। मेरी स्किन पर ये बहुत अच्छे से जाता है, प्लस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। सबसे पहले आप इस तरीके से डॉटेड मोशन में अपने पूरे फेस पे फाउंडेशन लगा लोगे। देन आई एम यूजिंग दिस फाउंडेशन ब्रश फ्रॉम कफ्स एंड लैशेस। और मैं इस ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पे इसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी इवनली और अच्छे से ब्लेंड भी कर लूँगी। दीज ब्रशेज आर सुपर डुपर गुड। सारे ही प्रोडक्ट की डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो मेक श्योर अगर आपको कुछ भी चेकआउट करना है सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स अच्छे से चेक कर लो। नाउ आई एम यूजिंग दिस डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर और मैं इसकी हेल्प से कुछ 3 to 4 मिनट्स के लिए अपने बेस को डैम्प करूँगी, अपने बेस को ब्लेंड करूँगी। इससे क्या होगा, एक बहुत ज़्यादा इवन लुक आता है। कोई भी एक्सेस प्रोडक्ट है तो वो ये पिक कर लेता है। आपका बेस बहुत ज़्यादा नेचुरल, बहुत ज़्यादा एफर्टलेस लगेगा एंड इट इज़ अ गेम चेंजिंग फॉर मी। सो आई हैव मेड दिस पॉइंट कि हमेशा ब्रश के बाद मैं ब्लेंडर से भी अपने बेस को ब्लेंड करूँ। फॉर द कंसीलर, ट्राइड एंड टेस्टेड स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर मैं लगाऊंगी इन द शेड 02 हाईएस्ट पॉइंट्स पे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने एक नई चीज़ सीखी है। कंसीलर जितना कम लगाओगे उतना अच्छा आपका बेस निकल कर आएगा। सो यू कैन सी मैंने बहुत ही कम कंसीलर लगाया है एंड नाउ आई एम ब्लेंडिंग दिस आउट। और मैं इसी कंसीलर को अपने आईलिड्स पे भी ब्लेंड कर लूँगी बिकॉज आई विल बी डूइंग अ आई मेकअप। सो उससे अच्छा सा एक बेस क्रिएट हो जाएगा। अगेन आपको इसको ब्लेंड करना है और इसके बाद मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड करूँगी। अगेन टेकिंग द सेम ब्यूटी ब्लेंडर और इसका जो शार्प वाला एज है उसकी हेल्प से मैं आईज़ के नीचे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मेक श्योर इसको बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं करना है आपको, बस उसी एरिया पे हल्का हल्का पैटिंग मोशन में ब्लेंड करना है। इमीडिएटली आफ्टर ब्लेंडिंग दिस मैं लगा लूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर सो दैट कोई भी क्रीसिंग ना हो मेरी अंडर आइज़ पे और कंसीलर फाइन लाइन्स के अंदर सिट भी ना हो। सो बहुत ही लाइट पाउडरिंग मैं करूँगी। अगर आप चाहो तो बेकिंग टेक्निक भी फॉलो कर सकते हो, बट मेरे को बेकिंग करने से बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील होती है। बाकी सारे फेस पे मैं बहुत ज़्यादा लाइट कॉम्पैक्ट से सेट करूँगी बिकॉज आई वॉन्ट दैट ग्लो एंड दैट शीन ऑन माई फेस फ्रॉम विद इन। सो बहुत ज़्यादा लाइट कॉम्पैक्ट मैंने यूज़ किया है। फॉर द आई मेकअप आई एम यूजिंग दिस रेवोल्यूशन का पैलेट। सबसे पहले मैं एक डार्क ब्राउन शेड लेकर एक ट्रांजिशन ड्रॉ करूँगी। यू कैन सी आपको इसको जो आई बोन होती है वहाँ पे एक डेप्थ क्रिएट करना होता है। थोड़ा सा मैं इसको लोअर लैश लाइन पे भी स्ट्रेच करूँगी एंड सर्कुलर मोशन में आप उसको ब्लेंड करते जाओगे तो एक बहुत प्यारा सा ट्रांजिशन क्रिएट हो जाएगा। जिनकी आईज़ बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड होती हैं उनको ये स्टेप करने की नीड नहीं होती। आप कोई भी प्रोडक्ट मत लगाओ, फाउंडेशन कंसीलर अपने आईलिड्स पे और वो एक ट्रांजिशन आपको दिख जाएगा। नाउ आई एम टेकिंग दिस फ्लैट शेडर ब्रश और इसकी हेल्प से मैं ये गोल्डन वाला शिमर पिक करके अपने आधे आईलिड पे लगाऊंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम इनर कॉर्नर टू मिडल तक। आप देख सकते हो मैंने इसको अच्छे से प्लेस कर दिया है। आप चाहो तो ये वाला स्टेप फिंगर से भी कर सकते हो, बट मेरे पास फ्लैश शेडर ब्रश था तो मैंने उसकी हेल्प से कर लिया। सेम आई एम गोना डू टू द अदर आई एज वेल।
कभी भी आप इंडियन वेयर पहनते हो ना तो ये गोल्डन आई मेकअप बहुत सुंदर लगता है और किसी भी इंडियन अटायर के साथ जाता है। नाउ आई एम टेकिंग दिस मीडियम फ्लफी ब्रश और मैं ब्लैक और ये कुछ चॉकलेट ब्राउन कलर है इन दोनों को मिक्स करके अपने आउटर वी पे लगाऊंगी। इस तरीके से सर्कुलर मोशन में आपको लगाना है, पहले आप वी बनाओ एंड देन उसको लोअर लैश लाइन पे भी ड्रैग करो एंड देन उसको सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर दो। अगेन आपको ये आउटर एरिया पे ही ब्लेंड करना है, इसको ऑल द वे मिडल या फिर इनर तक नहीं लेकर जाना है। उसके बाद जिस ब्रश से मैंने ट्रांजिशन ड्रॉ किया था मैंने वही वाला ब्रश लिया है, इसके ऊपर कोई प्रोडक्ट नहीं है इस टाइम पे और मैं सिर्फ अच्छे से इसको मर्ज कर रही हूँ आई मेकअप को सो दैट कोई भी हार्श एजेस ना रहें। आप एक बार दोबारा देख लो, पहले आउटर वी पे आपको डार्क कलर प्लेस करना है देन हल्का सा ब्लेंड करना है एंड देन दूसरे ब्रश की हेल्प से उसको अच्छे से स्मज आउट कर देना है सो दैट वो इवन लगे। अगेन टेकिंग दिस लाइट ब्राउन शेड और इसको अच्छे से इंटेंसीफाई कर रही हूँ मैं। आप चाहो तो कलर पे ऑफ अपने हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, मैं एकदम मीडियम रख रही हूँ एंड मेक श्योर कि आपका सारा आई मेकअप ब्लेंडेड और इवन लगे। नाउ आई एम यूजिंग दिस गोल्ड प्रेस ग्लिटर फ्रॉम द सेम पैलेट और मैं इसको आइज की हेल्प से सिर्फ मिडल वाले एरिया पे लगाऊंगी। देन आई एम टेकिंग दिस स्मॉल फ्लैट शेडर ब्रश और यही वाला गोल्डन कलर मैं अपने लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी बट इनर कॉर्नर से लेके मिडल तक ही। सो हाफ आई मेकअप आपका गोल्डन है और बाकी का आई मेकअप आपका स्मोकी लुक दे रहा है, दैट्स हाउ इट इज़ लुकिंग। आई मेकअप को कम्प्लीट करने के लिए मस्कारा और आईब्रोज फिल करनी बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं भी वही कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने स्पूली से अपने आईब्रोज को कोम किया है अच्छे से, 2 से 3 बार आप इसको कोम कर लो। देन आई एम यूजिंग द सेम पैलेट फॉर फिलिंग माई आईब्रोज एज वेल, एक एंगल्ड ब्रश की हेल्प से स्टार्टिंग में आपको अपवर्ड स्ट्रोक बनाने हैं एंड देन बाद में आप किसी भी डार्क कलर से मैचिंग टू योर हेयर कलर एंड ब्राउ कलर इस तरीके से आप उनकी शेप को डिफाइन कर सकते हो। टू कम्प्लीट दी आई मेकअप और आईज़ को एकदम अच्छा लुक देने के लिए मैं यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर से टाइट लाइन कर रही हूँ। ये पेंसिल है वेट एंड वाइल्ड की, इसको आप एज एन आईब्रो पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो बट ये ब्राउन कलर बहुत सुंदर लगता है आपके इस तरीके के आई मेकअप के साथ, सो मैंने बहुत ही लाइटली फिल किया है। फॉर द मस्कारा आई एम यूजिंग दिस क्रेज मस्कारा फ्रॉम स्विस ब्यूटी रेंज एंड आई एम ओनली यूजिंग एंड अप्लाइंग वॉल्यूमनाइजिंग मस्कारा। इसके अंदर 2 मस्कारा आपको मिलते हैं, वॉल्यूमनाइजिंग और लेंथनिंग, तो मैं आई थिंक लेंथनिंग वाला अप्लाई कर रही हूँ। या यस, सो इट इज़ अ लेंथनिंग मस्कारा। आई हैव ओनली अप्लाइड 1 कोट, आप चाहो तो 2 से 3 कोट अच्छे से अप्लाई कर सकते हो बट 1 कोट में ही काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ जाता है। देन आई एम टेकिंग दिस लॉरियल का ब्लश, ये बहुत ही कोरल और पीची सा शेड है एंड बहुत ही एप्ट पिगमेंटेशन है इसका, सो आई एम यूजिंग दिस फ्लफी ब्रश और मैं इस तरीके से अपने फेस पे ब्लश अप्लाई कर लूँगी। आई हैव पुट अ लिटिल बिट ऑन माय नोज एज वेल टू गिव दैट फ्लश ऑफ कलर यूजिंग दिस पाउडर कंटोर ब्रश एंड माय फॉरएवर स्विस ब्यूटी का कंटोर पैलेट। यू कैन सी इसका एक एक करके पैन टूटता जा रहा है बट आई एम इन लव विद दिस पैलेट एंड मुझे रिस्टॉक कर लेना चाहिए। एनीवेज सो कंटोर शेड को लेकर मैं सिर्फ अपने चीक्स को कंटोर करूँगी इस ब्रश की हेल्प से और बहुत ज़्यादा हार्श कंटोरिंग मैंने नहीं की है बिकॉज आई वॉन्ट ऑल द फोकस ऑन माई आईज एंड माई ज्वेलरी एंड माई आउटफिट। सो इस तरीके से मैंने कंटोर किया। देन यूजिंग अ स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश आई एम कंटोरिंग माई नोज एज वेल सो दैट मेरी नोज थोड़ी सी शार्प लगे। आप चाहो तो ये स्टेप अवॉइड कर सकते हो इफ़ यू हैव ऑलरेडी पॉइंटेड नोज, मेरे पास नहीं है तो मैंने कर लिया। टेकिंग दिस फैन ब्रश एंड दिस शैम्पेन हाईलाइटर फ्रॉम द सेम पैलेट आई एम गोना हाईलाइट माई नोज ब्राउ बोन एंड चीक्स और इस तरीके से एक ग्लो एंड एक शीन ऐड हो जाती है जो कि बहुत प्रिटी लगती है। टू कम्प्लीट द मेकअप लुक अब बारी है लिप्स की एंड फॉर दैट आई एम गोना डू न्यूड लिप्स टुडे। फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस नायका का लिप लाइनर इन द शेड पिलो फाइट एंड फॉरएवर 52 की लिपस्टिक इन द शेड पियोनी, दोनों ही बहुत ही सुंदर न्यूड कलर हैं एंड आई एम इन लव विद बोथ द प्रोडक्ट्स। एक थोड़ा सा पीची न्यूड है सो जैसे कि आप देख सकते हो ये लिप लाइनर हल्का सा पीची न्यूड लिप कलर है एंड ये मीडियम स्किन टोन पे बहुत ही प्यारा लगता है। फॉर ऑल द कॉलेज गोइंग गर्ल्स एंड इवन इफ यू आर इनटू मेकअप एंड यू इफ यू लव न्यूड लिप्स प्लीज़ गो गेट
योरसेल्फ दिस प्रोडक्ट। तो मैंने अपने लिप्स को अच्छे से आउटलाइन कर लिया है एंड फिल इन भी कर लिया है इस लिप लाइनर से। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू यूज़ द लिपस्टिक और मैं इसको फिल इन कर लूँगी। यू कैन सी ये ब्राउन न्यूड लिपस्टिक है, बिल्कुल न्यूड कलर है। फिल इन करने के बाद मैं अपने फिंगर की हेल्प से इसको स्मज भी करूँगी सो दैट दोनों ही शेड अच्छे से मिक्स हो जाएं एंड इन दोनों का कॉम्बो बहुत प्यारा लगता है स्मोकी आइज़ के साथ। और इफ़ यू वांट टू जस्ट फोकस ऑन योर आइज़, ये कॉम्बो मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ। सो दैट्स हाउ माय मेकअप लुक टर्न आउट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। दैट्स हाउ इट इज़ लुकिंग, सुपर डुपर हीरा मंडी स्टाइल। एंड या आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कॉमेंट करना मत भूलना। एंड या बाय गाइज, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन।